हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं पवन तिवारी चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो यूपीएसआई लाइव मैथ्स के अंतर्गत आज लेक्चर तीसरा मैं लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। प्रतिशतता का टॉपिक आप देख रहे हैं और इसमें मैंने अभी केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया है। प्रस्तावना भाग से जो प्रश्न था जिसमें आपका वाले प्रश्न प्रतिशत वृद्धि और परसेंट कमी तथा प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों से संबंधित प्रश्नों को क्रमवार तरीके से देखा। यहाँ पर अब मैं आपके सामने जो प्रतिशतता से नेक्स्ट हेडिंग लेकर आया हूँ वो है परीक्षा से संबंधित प्रश्न। अच्छा, ये नहीं सोचना कि अभी तक जो मैंने बताया था वो परीक्षा से प्रश्न नहीं थे। देखिए, यहाँ पर प्रतिशतता से परीक्षा वाले प्रश्न, जैसे दो विषय की बात की जाए, दो विद्यार्थियों का जिक्र हो, इन सबसे रिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं मैं उनकी चर्चा कर रहा हूँ। और वैसे भी शुरुआत वाले जो हेडिंग हैं अपने आप में यूनिक है, बराबर परीक्षाओं में बनते रहे हैं प्रश्न। और प्रतिशतता से बेसिक प्रश्न उठता है तो पॉसिबिलिटी होती है कि आपको जो मैंने पिछले लेक्चर दिए थे वहाँ से प्रश्न रखे जाए। तो चलिए, यहाँ से परीक्षा से संबंधित प्रश्न को मैं यदि एनालिसिस करूँ तो ये मुख्य तीन हेडिंग में जाके बनता है, जिसके शुरुआत के दो हेडिंग बेसिक है, जिसका जो सबसे पहला टाइप होगा वो होगा जब दो विषयों का जिक्र हो, जब दो विषयों का जिक्र हो। और दूसरा है जब दो विद्यार्थियों का जिक्र हो, तो दो स्टूडेंट की बात की जाए, जब दो विद्यार्थियों का जिक्र हो। और यहां पर जो तीसरा हेडिंग होने वाला होगा वो होगा मिश्रित प्रश्न। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो प्रतिशतता में परीक्षा से संबंधित प्रश्न बनेंगे इसके मुख्य तीन पार्ट होंगे। हमने आपको पहले ही बता दिया शुरुआत के दो हेडिंग बेसिक है और तीसरा जो प्रतिशतता के एक कॉन्सेप्चुअल स्टेप से प्रश्न बनते हैं मैं इसमें चर्चा करूंगा। तो चलिए, मैं यहाँ से पहले हेडिंग से शुरुआत कर रहा हूँ, जब दो विषयों का जिक्र हो। चलिए, यहाँ से बाकी के अन्य दो मैं इरेज कर रहा हूँ, पहला हो जाए तो बाकी सीरियल से जैसे मैंने हेडिंग किया है चर्चा करेंगे। चलिए देखिए, पहले देखिए दो विषय का जिक्र हो, मैं इनसे एक प्रश्न लिख रहा हूँ और इस प्रश्न को ओपन करके हल करते हैं और उसका जो कंक्लूजन निकलेगा, जो उसका निष्कर्ष निकलेगा, हम उसको मूल आधार मानकर सूत्र बना लेंगे और फिर प्रश्न को हल करेंगे। ध्यान देना, जैसे मैंने एक प्रश्न लिखा कि किसी परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी में क्रमशः, किसी परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी में क्रमशः 75% और 80% छात्र उत्तीर्ण हुए, वैसे विद्यार्थी ही से समझिएगा, मैं संक्षेप में छात्र ही लिख दे रहा हूँ। किसी परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी में क्रमशः 75% और 80% छात्र उत्तीर्ण हुए। आगे हमें लिखा है यदि दोनों विषयों में दस प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए तो बताइए परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत छात्र
अनुत्तीर्ण हुए। चलिए यहाँ से मैंने एक जो प्रश्न नोट किया है आप समझ पा रहे हैं, मैंने दिया है किसी परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी में क्रमशः रिस्पेक्टिवली 75% और 80% छात्र पास हुए, उत्तीर्ण मीन्स पास हुए। आगे हमने लिखा है यदि दोनों विषयों में 10% छात्र अनुत्तीर्ण हुए तो बताइए परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए। कभी कभी हमें लगता है ये तो जवाब हमारे प्रश्न में ही दे दिया है कि 10% अनुत्तीर्ण हुए। ये 10% दोनों विषयों में होने वाले जो फेल होने वाले हैं वो परसेंट है, हमें बताना है कुल कितने परसेंट छात्र फेल हुए। तो कुल में वे भी तो आ जाएंगे जो केवल हिंदी में, मतलब केवल एक विषय में फेल हैं, या जो केवल अंग्रेजी में फेल हैं, या जो दोनों में फेल हैं सब मिलाकर। देखिए कुल में कौन कौन आएंगे, केवल हिंदी विषय में फेल आएंगे प्लस केवल अंग्रेजी विषय में फेल और प्लस दोनों विषय में फेल। तो चलिए देखिए कैसे निकालेंगे, हल करने के कई मेथड हैं, बेन डायग्राम विधि है। चलिए पहले मैं एक बेसिक बता दे रहा हूँ और आप डेफिनेट समझ लेंगे, बहुत ही आसान हेडिंग है। देखिए हमने प्रश्न में दिया है किसी परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी में क्रमशः कितने कितने, हिंदी और अंग्रेजी में क्रमशः 75% और 80% छात्र पास हुए। मतलब हिंदी में पास हुए हैं 75%, अंग्रेजी में पास हुए कितने 80%। आगे हमने लिखा है यदि दोनों विषयों में 10% छात्र फेल हुए हों, ध्यान देना दोनों विषयों में फेल जो हुए हैं वो कितने परसेंट है 10%। तो हमसे पूछा है बताइए परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए, कुल फेल होने वाले छात्रों का परसेंट क्या है। तो आपने देखा इतनी जानकारी दिया है परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी में क्रमशः 75% और 80% छात्र पास हुए उत्तीर्ण हुए और दोनों विषयों में फेल हुए 10%, इतनी जानकारी दे रखा है। हमसे पूछा परीक्षा में कुल कितने परसेंट छात्र फेल हुए, देखिए कैसे निकालेंगे। आप हमें बताएं हिंदी में 75% पास है तो डेफिनेट फेल कितने होंगे 25%। जैसे हिंदी में पास कितने हैं 75%, मैं आपसे पूछूं हिंदी में फेल कितने हैं तो आप बताएंगे 25%, यही बताएंगे ना। जब हिंदी में 75% पास हुए तो फेल कितने 25%, अंग्रेजी में पास हुए 80% और अंग्रेजी में 80% पास हैं तो फेल कितने हुए 20%। यहाँ तक तो कोई डाउट है नहीं। अब पूछा है बताइए परीक्षा में कुल कितने परसेंट फेल हुए, ध्यान समझना हिंदी में फेल हुए 25% प्लस अंग्रेजी में फेल हुए 20%, कितने हो गए 45 हो गए। 25% हिंदी में फेल और अंग्रेजी में फेल 20%, कितने हो गए 45%, और 10% दोनों विषय में फेल हैं। तो बताइए हम ये 10% जोड़ें कि घटाएं, तो आप समझिएगा हिंदी में फेल है 25% प्लस अंग्रेजी में फेल है 20% और दोनों में फेल है 10%, मैंने इसे घटा दिया। अब आप बताइए मैंने इसे घटाया क्यों। देखिए हिंदी में फेल है 25%, अंग्रेजी में फेल है 20% और दोनों में फेल है 10%, मैंने इसे घटा दिया, क्यों घटाया। तो चलिए इसका रीज़न देखिए, क्योंकि ये दोनों विषय में 10% फेल है, मतलब ये दोनों में कॉमन है। इस सेंस को स्पष्ट करना हो तो आप ऐसा समझिए जैसे हिंदी में 25% फेल है तो आप बताइए इस 25% में ये 10% है कि नहीं जो दोनों विषय में फेल है, तो बेशक है। अंग्रेजी में फेल है कितने परसेंट 20%, अब मैं पूछूं कि इस 20% में ये 10% है कि नहीं जो दोनों में फेल है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है। मतलब ये 10% इसमें भी है 10% इसमें भी है, मतलब ये दो बार आ गया, अतः एक बार घटा दीजिए। तो इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट ये बना जब हमें कुल फेल होने वाले छात्रों का परसेंट निकालना हो तो पहले विषय में जो फेल हुए हैं वो रखिए प्लस दूसरे विषय में जो फेल हुए वो रखिए और दोनों विषय में जो फेल हुए उसको घटा दीजिए, हमें पता चल जाएगा कुल कितने परसेंट फेल हुए। और यही सेट थ्योरी की परिभाषा भी कहता है,
एन ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। मतलब पहले एलिमेंट की संख्या प्लस दूसरे एलिमेंट की संख्या माइनस दोनों की कॉमन संख्या। तो देखिए, यदि हम इसके लिए सूत्र जनरेट करना चाहें तो इसके लिए आप सूत्र क्या लिख सकते हैं, ध्यान समझना। जैसे हमें निकालना है कि परीक्षा में बताइए कुल कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए, तो कैसे निकालेंगे, आप पहले विषय में जो फेल हुए हैं उनका परसेंट रखिए, दूसरे विषय में जो फेल परसेंट है वो रखिए और दोनों जोड़ लीजिए, और जो दोनों विषय में फेल हुए हैं घटा लीजिए। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या बना, पहले विषय में फेल परसेंट, पहले विषय में फेल प्रतिशत, मतलब जो पहले विषय में फेल हुए हैं पहले उनका परसेंट रख लीजिए, और बीच में प्लस है प्लस करिए। अब ये 20 क्या है, जो अंग्रेजी में फेल है मतलब दूसरे विषय में, तो जो दूसरे विषय में फेल है, दूसरे विषय में जो फेल है आप उनका परसेंट रखिए, ध्यान रखना। कैसे हल करेंगे, जो पहले विषय में फेल है उनका परसेंट करिए प्लस दूसरे विषय में जो फेल है उनका परसेंट करिए, और माइनस करिए जो दोनों विषय में फेल है उनका परसेंट। तो ध्यान देना, कॉन्सेप्ट बेहद सिंपल है, अब आप समझ गए होंगे। जैसे निकालना है कि परीक्षा में कुल कितने परसेंट कैंडिडेट फेल हुए, आप कैसे निकालेंगे, पहले विषय में जैसे अंग्रेजी, देखिए डायरेक्ट मुझे हल करना है और ये बताना है कि कुल फेल होने वाले छात्रों का परसेंट क्या है, तो हमें करना क्या है, हमारे प्रश्न में दिया था अंग्रेजी और गणित में क्रमशः, सॉरी हिंदी और अंग्रेजी में क्रमशः 75% और 80% छात्र पास हुए। तो देखिए हिंदी में 75% पास है तो फेल कितने, 25%, अंग्रेजी में 80% पास है तो फेल कितने, 20%। दोनों विषय में फेल तो दिया ही है 10%, आप सीधा करिए, एक लाइन में आपका उत्तर आ गया, हमें ये सब लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब थोड़ा समझिएगा, जैसे ये रहा होता कि किसी परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी में क्रमशः 75% और 80% छात्र पास हुए, यदि दोनों विषयों में 10% छात्र फेल हुए हो तो बताइए कुल कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। यदि यहाँ हमसे पूछा होता कितने परसेंट छात्र उत्तीर्ण हुए, तो जाहिर सी बात है यदि परीक्षा में 35% छात्र टोटल फेल हुए तो टोटल पास कितने हुए, आपका जवाब होगा 65%, यही जवाब होगा ना, कोई डाउट तो नहीं है। जैसे मैं आपसे कह दूं कि किसी परीक्षा में कुल 35% छात्र फेल हुए तो पास कितने हुए, आप बेशक बोलेंगे 65% छात्र, यदि 30% फेल तो 70% पास, 20% फेल तो 80% पास, कोई डाउट नहीं होगी। यही सवाल होता, लास्ट वाली स्टेटमेंट मैं चेंज कर देता और मैं ये बोल देता कि यदि परीक्षा में कुल 800 छात्र सम्मिलित हो तो बताइए कितने छात्र पास और कितने छात्र फेल हुए, तब मैं क्या करता, यदि परीक्षा में 800 छात्र सम्मिलित हुए बैठे हों तो बताइए कितने छात्र पास और कितने छात्र फेल हुए, तो 800 का 35% निकाल देंगे तो हमें फेल छात्र की संख्या पता चल जाएगा, और 800 का 65% निकाल देंगे तो पास छात्र की संख्या, कोई संदेह तो नहीं। यदि लास्ट लाइन में चेंज कर देता और लिखता कि यदि परीक्षा में कुल 800 छात्र सम्मिलित हुए तो बताइए कितने छात्र फेल हुए, तो मैं सीधा सीधा देखता कि 35% फेल है तो 800 का 35% निकाल देता, सीधा हमें पता चल जाता कितने कैंडिडेट फेल हुए। मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होगी। एक प्रश्न मैं और लिख रहा हूं, थोड़ा समझिएगा, चलिए वैसे विषय बदलने का मेरा वो नहीं है। आप देखें मैं एक प्रश्न यहां से दे रहा हूं, आप समझिएगा, तो इसे वेन डायग्राम से बताने की आवश्यकता है नहीं, आप यही देखें बहुत बेटर समझ में आ जाएगा। जैसे हमने लिखा किसी परीक्षा में
अंग्रेजी और गणित में क्रमशः 70% और 80% छात्र उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में 10% छात्र अनुत्तीर्ण हुए तथा परीक्षा में कुल 360 छात्र फेल हुए तो बताइए परीक्षा में कितने छात्र सम्मिलित हुए। तो बताइए परीक्षा में कितने छात्र सम्मिलित हुए। पूरा प्रश्न आप पढ़िएगा। हमने दिया है किसी परीक्षा में अंग्रेजी और गणित में क्रमशः 70% और 80% कैंडिडेट पास हुए, जबकि दोनों विषयों में जो फेल हुए उनका परसेंट है 10%। अब हमने दिया है कि तथा परीक्षा में कुल 360 छात्र, कितने छात्र फेल हुए, टोटल 360 छात्र फेल हुए। समझिएगा, जो छात्र टोटल परीक्षा में कुल जितने फेल हैं, कुल फेल छात्रों की संख्या है 360। अब आप सोचिए यदि हमें कुल फेल होने वाले छात्रों का परसेंट भी पता हो जाए, जैसे हमें ये पता चल जाए कितने परसेंट फेल हैं, और ये तो पता ही है कितने छात्र फेल हैं, तो जितने परसेंट छात्र फेल होंगे उनकी संख्या 360 के बराबर होगी। हम पहले क्या पता करें, चलिए पहले ये देख लिया जाए कि परीक्षा में कुल फेल होने वाले छात्रों का परसेंट क्या है, कुल फेल प्रतिशत क्या है। कैसे निकालेंगे आप, कैसे निकालेंगे टोटल कितने परसेंट फेल है। आप देखिए पहले विषय में कितने परसेंट फेल है प्लस दूसरे विषय में कितने परसेंट फेल है वो रखिए, और माइनस करिए जो दोनों विषय में फेल है उनके परसेंट को। तो आप बताइए पहले विषय में कितने परसेंट फेल है, आप बताना। जैसे अंग्रेजी और गणित में क्रमशः 70% और 80% पास है, सोचिए अंग्रेजी में 70% पास है तो अंग्रेजी विषय में फेल कितने होंगे, 30%, प्लस गणित में कितने परसेंट पास है, 80%, तो फेल कितने हुए, 20%। ध्यान समझना, अंग्रेजी और गणित में 70% और 80% रिस्पेक्टिवली पास है, तो अंग्रेजी में 70% पास तो पहले विषय में फेल कितने हैं, 30%, गणित में 80% पास तो दूसरे विषय में फेल कितने हैं, 20%, और माइनस दोनों विषय में फेल कितने हैं, 10%। आप देखिए कितने परसेंट फेल आए, 40%, 30 + 20 = 50, 50 में से 10 घटाएंगे कितना परसेंट, 40%। आप सोचिए परीक्षा में, मैं आपसे सवाल करूं कि परीक्षा में कितने परसेंट छात्र फेल हुए, तो आप कहेंगे 40%। मैंने आपसे पूछा कि परीक्षा में कितने परसेंट छात्र फेल हुए, तो आपने कहा 40%, और हमने पूछा कि परीक्षा में कितने छात्र फेल हुए, तो आप कहेंगे 360 फेल हुए। मतलब प्रतिशत में 40% फेल हैं और संख्या में 360 फेल हैं। ध्यान देना, प्रतिशत में 40% फेल हैं और संख्या में कितने फेल हैं, 360 फेल हैं। मतलब जो 40% फेल है वो 360 के बराबर है। ध्यान देना, 40% जो कैंडिडेट फेल है वो 360 के बराबर है। इसलिए 1% जो फेल है उनकी संख्या कितने के बराबर, 360/40% फेल बराबर 360 छात्र के। तो 1% फेल बराबर कितने छात्र के, 9 छात्र के, 40 उधर भाग हो जाएगा 9 छात्र के। इसलिए 100% फेल बराबर, मतलब जितने बैठे थे सबके सब फेल हो जाते तो 900 होते और यही छात्र की टोटल संख्या हो जाती। बात समझ आए, जितने बैठे थे पूरे के पूरे फेल हो गए होते 100%, तब 900 के बराबर होती और यही टोटल छात्रों की संख्या हो जाती। अच्छा, ये नहीं सोचना कि ये 10% दोनों, सॉरी 360 छात्र दोनों विषय में फेल है, नहीं, परीक्षा में टोटल मिला के 360 फेल है,
और टोटल परसेंट में फेल है 40%, मतलब जो 40% फेल है वो 360 छात्र के बराबर है, तो 1% बराबर 9 के, तो 100% बराबर 900 छात्र के, यही 900 हमारा आंसर हो गया। अब आप विचार करिए, यदि मैं दिया होता कि परीक्षा में कुल 360 छात्र पास हुए, यदि मैं यहाँ पे पास लिख देता तब उत्तर क्या होता? तब ध्यान देना, यदि पास छात्रों की संख्या पता हो तो प्रतिशत भी पास में ही निकालेंगे, तब स्थिति क्या होता ध्यान देना। यदि मैं लिखा होता कि 360 पास हुए, तो आप बताइए परीक्षा में टोटल फेल कितने हैं 40%, और जब 40% फेल है तो डेफिनेट पास कितने होंगे 60%, और जो 60% पास है तब वो 360 के बराबर होते, तो 1% बराबर 6, तो 100% बराबर 600, ये उत्तर होता। तो 600 उत्तर कब होता? जब लिखा होता 360 पास हुए। तो हमने समझ गया कि 40% छात्र फेल हुए तो निश्चित तौर पर पास हुए 60%, और जो 60% पास हुए वो 360 के बराबर, तो 1% 6, 100% 600। मेरे ख्याल से परीक्षा से संबंधित प्रश्न में जब दो विषय का जिक्र हो तो आपको कोई डाउट नहीं होगी, डेफिनेट आप हल कर लेंगे, है ना। अब हम परीक्षा से संबंधित दूसरे कंडीशन वाले प्रश्न पर विचार करें, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। और देखिए मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि प्रतिशतता के 0 लेवल से लेकर आप में स्तरीय प्रश्न जो अपेक्षित हैं यूपीएसआई के लेवल में, ऐसे सभी प्रश्नों से मैं अवगत कराऊंगा, बिल्कुल आप परेशान नहीं होना कि लेवल लो है। देखिए जब मैं किसी पर्टिकुलर हेडिंग की चर्चा करता हूँ तो 0 से बड़े लेवल तक ले जाता हूँ। जैसे मैंने परीक्षा से संबंधित प्रश्न जो मैंने रखा है, मैंने तीसरा टाइप जो किया है मिश्रित प्रश्न, उसका मेरा उद्देश्य यही है कि उसमें मैं अच्छे प्रश्न कराऊं, है ना। और ये भी अपने आप में मानक प्रश्न है, अलग अलग परीक्षाओं में काफ़ी रिपीट होते रहे। चलिए मैं अब बात करता हूँ दूसरे हेडिंग, अब यहाँ विषय नहीं, जब लिखा हो जब दो विद्यार्थियों का जिक्र हो, चलिए अब हम समझेंगे कि जब दो विद्यार्थियों का जिक्र हो तो प्रश्न के स्तर क्या हो सकते हैं। उस पर आने से पहले ध्यान देना, मैं आपको बता दूं जब दो विद्यार्थियों का जिक्र हो तो दो कंडीशन हो सकती है। पहला कंडीशन ये हो सकती है जब एक छात्र पास वह दूसरा छात्र फेल हो, और दूसरा कंडीशन बन सकता है जब दोनों छात्र पास या दोनों छात्र फेल हो। चलिए थ्योरी थोड़ा इसका समझिएगा। हमने परीक्षा से जब दो विद्यार्थियों का जिक्र हो तो यहाँ पर दो मुख्य कंडीशन हो सकते हैं। पहला, जब एक छात्र पास और दूसरा वाला छात्र फेल हो, और दूसरा हो सकता है जब दो के दोनों छात्र पास या दो के दोनों छात्र फेल हो। तो अब देखिए मैं आपको बता दूँ, यदि डिटेल में जाकर यदि आप कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं एक यूनिक कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहा हूँ। मैथमेटिकली लॉजिकली कॉन्सेप्ट से आप बिना डिटेल मेथड में जाए प्रश्न को बहुत जल्द हल कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको मैग्नेटिक रूल बताऊंगा, उसके लिए मैं आपको एक मैग्नेटिक रूल चुंबकत्व नियम बताऊंगा। आप कहेंगे तो डिटेल में भी प्रश्न हल करा देंगे। पहले मैं अपने हिसाब से जो हमें लगता है कि आप बेटर समझेंगे, एक आसान मेथड है उसको मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना। आप मैग्नेटिक रूल चुंबकत्व नियम जानते हैं, चुंबकत्व नियम के अनुसार विपरीत सतहों में आकर्षण तथा समान सतहों में प्रतिकर्षण होता है। आप देखिए चुंबक में
एक चिकने प्रकार का चुंबक लीजिए, दूसरा खुरदुरे प्रकार का, और जैसे ही पास रखेंगे आके जुड़ जाता है। लेकिन समान सतह की चुंबक पास ले जाइए, दोनों चिकने प्रकार के हों या दोनों खुरदुरे प्रकार का, आप देखेंगे एक चुंबक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा होता है, पीछे धकेल रहा होता है। मतलब विपरीत सतह में आकर्षण मीन्स योग तथा समान सतह में प्रतिकर्षण मीन्स अंतर होगा। यह बात माइंड में रखिए। मैं एक साइड में कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ध्यान देना। जैसे परीक्षा में दो कैंडिडेट बैठे हैं, पहला वाला कैंडिडेट परीक्षा में पास हो जाए और दूसरा वाला जो कैंडिडेट बैठा था वो परीक्षा में फेल हो जाए, ध्यान देना। एक परीक्षा कंडक्ट कराई गई जिसमें पहला वाला छात्र जो परीक्षा में बैठा था वो पास हो जाए और दूसरा वाला कैंडिडेट परीक्षा में फेल हो जाए। तो एक छात्र पास है, दूसरा छात्र फेल है, मतलब सतह विपरीत है। एक पास है, एक फेल है, सतह विपरीत है, और विपरीत में आकर्षण होगा, मतलब यहाँ पर अंकों का योग होगा। यहाँ पर क्या होगा? अंकों का योग। अच्छा, या फिर ऐसा हो जाए पहला वाला ही छात्र फेल हो जाए और दूसरा वाला छात्र जो है परीक्षा में पास हो, तो यहां भी विपरीत है। पहला वाला छात्र फेल हो रहा है और दूसरा वाला कैंडिडेट परीक्षा पास कर रहा है, मतलब ये भी सतह विपरीत है। और विपरीत सतहों में चुंबकत्व नियम के अनुसार आकर्षण होगा, मीन्स योग होगा, है ना। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन पर थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहूंगा। जैसे परीक्षा में दो छात्र बैठे, पहला वाला भी छात्र पास हो जाए और दूसरा वाला भी छात्र पास हो जाए, तो पहला भी पास है, दूसरा भी पास है, तो सतह समान है और समान सतहों में प्रतिकर्षण मीन्स अंतर होगा। यहां पर अंकों का हम अंतर करेंगे। या फिर पहला वाला भी छात्र परीक्षा में फेल हो और दूसरा वाला भी छात्र परीक्षा में फेल हो, तो भी सतह समान होगा और समान सतहों में प्रतिकर्षण मीन्स यहाँ भी अंकों का अंतर होगा। अब बताइए, जब दो विद्यार्थी परीक्षा में बैठेंगे तो यही कंडीशन हो सकता है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। मतलब हो सकता है एक छात्र पास हो दूसरा फेल हो, या पहला वाला ही छात्र फेल हो जाए दूसरा वाला पास हो, तो ये हमारे पहले कंडीशन में आएगा। और हम जानते हैं एक पास एक फेल हो या एक फेल दूसरा पास हो, तो ये सतह विपरीत है और विपरीत में आकर्षण मीन्स यहाँ अंकों को जोड़ेंगे। और यदि परीक्षा में दो के दोनों छात्र पास हो जाए या परीक्षा में दो के दोनों छात्र फेल हो, तो उसके लिए दो के दोनों पास हो या दो के दोनों फेल हो, सतह समान है, ऐसी स्थिति में प्रतिकर्षण मीन्स अंकों का अंतर होगा। पूरी तरीके से आप इस थ्योरी को समझ सकेंगे जब मैं एक प्रश्न हल करा दूं, है ना। तो चलिए मैं पहले एक प्रश्न लिख रहा हूं, आप पूरा पढ़ पाएंगे। चलिए ठीक, हमने लिखा है किसी परीक्षा में ए को 35% अंक मिला और वह 20 अंक से फेल हो गया, और वह 20 अंक से फेल हो गया। आगे हमने लिखा है उसी परीक्षा में, सिमिलर एग्जाम, उसी परीक्षा में बी को 50% अंक मिला जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 40 अंक ज्यादा था, तो डैश पहला प्रश्न ये संभावित पूछा जा सकता है कि परीक्षा का पूर्णांक बताइए।
दूसरा संभावित प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है कि परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक बताइए। परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक मीन्स पास होने के लिए कम से कम कितने मिनिमम अंक रिक्वायर्ड थे। और तीसरा पॉसिबल प्रश्न पूछा जा सकता है कि परीक्षा का प्रतिशत न्यूनतम उत्तीर्णांक बताइए, मतलब पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक कम से कम निर्धारित थे। ये हमसे तीन संभावित प्रश्न इसमें से पूछा जा सकता है। अच्छा ध्यान देना, प्रश्न बेशक पढ़ने में बड़ा है, लिखने में बड़ा है, लेकिन आप कैलकुलेशन देखें बेहद सामान्य है, पूरी प्रॉपर्टी आप समझ सके हैं कि नहीं। अब देखिए प्रश्न आप पूरा पढ़ पा रहे हैं, अब मैं इसको हल करूं, आप देखिए कितना आसान आपको लगेगा। चलिए सबसे पहले हम फोकस करते हैं, हमसे बोला गया किसी परीक्षा में ए को 35 प्रतिशत अंक मिला, ए को कितना मिला 35 प्रतिशत अंक मिला, और वह परीक्षा में 20 अंक से फेल हो गया। परीक्षा में वह 20 अंक से फेल हो गया। आगे हमने बोला है कि उसी परीक्षा में बी को 50 प्रतिशत अंक मिला, जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 40 अंक ज्यादा था। उसी परीक्षा में बी को कितना मिला 50 प्रतिशत अंक मिला, जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 40 अंक ज्यादा था। अब थोड़ा ध्यान देना, प्रश्न कह क्या रहा है, परीक्षा में ए को कितना मिला 35% और यह 20 अंक से फेल हो गया। जितना पास होने के लिए कम से कम चाहिए था उससे भी 20 अंक पीछे ही रह गया। सिमिलर एग्जाम में बी को मिला 50% और यह पास होने के लिए जितना कम से कम जितना मिनिमम रिक्वायर्ड था उससे इसका 40 अंक ज्यादा था। अब आप समझिएगा, एक छात्र 20 अंक से फेल हो रहा है और दूसरा मिनिमम जितना रिक्वायर्ड अंक था पास होने के लिए उससे भी 40 उसका ज्यादा है। मतलब पहला वाला छात्र फेल है और दूसरा वाला छात्र पास है, और पहला वाला छात्र फेल हो दूसरा वाला पास हो तो सतह विपरीत होगा और विपरीत सतह में आकर्षण में अंकों का योग। तो यहाँ पर ध्यान देना, एक छात्र फेल है और दूसरा छात्र पास है तो यहाँ पर सतह विपरीत है और विपरीत सतह में आकर्षण मीन्स अंकों का योग होगा। तो चलिए यहाँ पर अंकों को जोड़ लेते हैं, एक 20 अंक से फेल है, दूसरा 40 न्यूनतम से ज़्यादा है, तो इन अंकों को जोड़ेंगे तो कितना अंक आएगा 60 अंक, जोड़ेंगे तो कितना अंक आएगा 60 अंक। अच्छा इतना बात समझ में आया, अंकों को मैंने जोड़ा क्यों, एक छात्र फेल है एक छात्र पास है, सतह विपरीत है और विपरीत में आकर्षण मीन्स योग, तो 20 अंक और 40 अंक हमने जोड़ दिया कितना है 60। और एक चीज ध्यान देना, प्रतिशतों का सदैव हमेशा अंतर ही निकालते हैं। अब आप सोचिए, ए को परीक्षा में 35% अंक मिला और बी को 50% अंक मिला, तो दोनों के प्रतिशतों में कितने का अंतर है 15%। ए को परीक्षा में 35% मिला, बी को 50% मिला। अब देखिए हम आपसे पूछें कि दोनों के प्राप्तांकों में कितने परसेंट का अंतर है, आप कहेंगे 15%, और दोनों के अंकों में कितने का अंतर है 60 अंक। मतलब यह 15% का अंतर 60 अंक के बराबर है। तो 15% का अंतर बराबर 60 अंक के, तो 1% का अंतर बराबर कितने अंक के 60/15 मतलब 4 अंक के, इसलिए 100% बराबर कितने अंक के 400। यही परीक्षा का पूर्णांक हो गया, मतलब पहला जवाब यहां से मिल गया। चलिए मैं अभी इसे डिटेल में भी बता दूंगा, पहले इसका 60 मेथड समझें। ए को 35% मिला, 20 अंक से फेल हो गया, बी को उसी परीक्षा में 50% मिला जो न्यूनतम से 40 ज्यादा था। एक फेल है एक पास है, एक फेल एक पास हो विपरीत सतह है, ऐसे में विपरीत सतह में आकर्षण में योग होगा। अंकों को तुरंत जोड़िए, देखिए कम से कम समय लगेगा, 20 अंक 40 अंक जोड़ा 60 अंक, और प्रतिशतों में दोनों के कितने परसेंट का अंतर है 35% टेप आया है, 50% भी 15% का,
तो 15% बराबर 60 अंक, तो 1% बराबर 4 अंक, तो 100% बराबर 400। देखिए तुरंत जवाब बिना अतिरिक्त प्रयास के। ये तो पहला जवाब मिला। दूसरा सवाल हमसे ये पूछा है कि परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक बताइए। चलिए देखिए कैसे निकालेंगे, न्यूनतम उत्तीर्णांक कैसे निकालेंगे। मैं आपको बता दूं, यह न्यूनतम उत्तीर्णांक चाहे ए कैंडिडेट को आधार मान लीजिए, चाहे बी कैंडिडेट को, न्यूनतम उत्तीर्णांक वही आएगा, क्योंकि परीक्षा सिमिलर है, एक ही परीक्षा है। तो इसका मतलब पास होने के लिए जितना कम से कम अंक ए को चाहिए, उतना ही कम से कम अंक बी को चाहिए। तो चलिए मैं ए को आधार मान के बता दे रहा हूँ, आप बी से भी निकालेंगे तो वही आएगा। चलिए देखते हैं, पहले आप बताइए ए को परीक्षा में कितने परसेंट अंक मिला? 35%। बताइए ए को कितने परसेंट मिला? 35%। किसका 35%? जितना परीक्षा का पूर्णांक रहा होगा। जैसे मान लिया मैं आपसे कहूँ एक परीक्षा में हम बैठे और उसमें हमें 35% अंक मिला, तो किसका 35% मिला? जितना परीक्षा का पूर्णांक रहा होगा। और परीक्षा का पूर्णांक कितना है? 400। तो ए को 35% मिला किसका? 400 का। तो ध्यान देना, ए को मिला है 400 का 35%। अच्छा, 400 का 35% कितना होगा? 000 कैंसिल हो गया, 35 का गुणा 4 में 140। मतलब ए को 140 अंक मिला, बावजूद इसके वह 20 अंक से परीक्षा फेल कर गया। ध्यान देना, ए को 35% मिला, किसका 35%? 400 का। और 400 का 35% कितना हुआ? 140 अंक पाकर भी ए परीक्षा में 20 अंक से फेल हो गया। इसका मतलब कितना पा जाता कि न्यूनतम के साथ परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता। तो आप कहेंगे जितने अंक से फेल हुआ, यदि किसी तरीके से उतना और मिल गया होता तो न्यूनतम के साथ परीक्षा पास कर जाता। अब आप सोचिए, मैं आपसे कह दूं कि एक परीक्षा में मैं बैठा, हमें 140 अंक मिला और 140 अंक पाकर भी मैं 20 अंक से फेल हो गया, तो निष्कर्ष आप यही निकालेंगे कि यदि मैं 160 पा जाता तो न्यूनतम के साथ परीक्षा पास कर जाता। तो जितने अंक से फेल हुआ, 20 अंक से फेल हुआ, यही 20 अंक यदि और ज़्यादा पा गया होता, मतलब कितना, 35 × 4, 140 प्लस 20 कितना है ना, 160। तो आप समझ पाए। एक बार फिर से देखिए, ए को 35% मिला किसका? 400 का। और 400 का 35% हुआ 140। तो 140 अंक पाकर भी 20 अंक से फेल हो गया, इसका मतलब यही 20 अंक ज़्यादा प्राप्त कर लिया होता, मीन्स 160 पा गया होता, तो न्यूनतम के साथ परीक्षा पास कर जाता। अच्छा, बी से निकालेंगे तो भी उतना ही आएगा। बी को कितना मिला है? 50%। बी को कितना मिला है? 50%। किसका 50%? पूर्णांक का। पूर्णांक है 400, तो 400 का 50% कितना हुआ? 200। मतलब बी को 200 अंक मिला, जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 40 अंक ज़्यादा था। और हमें न्यूनतम से ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें केवल न्यूनतम ही चाहिए। अतः जितना न्यूनतम से ज़्यादा पाया वही घटा दीजिए, न्यूनतम उत्तीर्णांक पता हो जाएगा। तो आप देखिए, बी को कितना मिला? 50%। किसका 50%? 400 का। 400 का 50% कितना हुआ? 200। लेकिन यह न्यूनतम से 40 अंक ज़्यादा था और हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, तो जितना ज़्यादा था उतना ही घटा दीजिए। 200 में 40 घटाएंगे 160, देखिए वही आया। अंतिम जवाब देखिए, तीसरा हमने पूछा है कि परीक्षा का प्रतिशत न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या होगा। इसका मतलब यह है कि परसेंट में यह न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या था। तो देखिए, परसेंट कैसे निकालते हैं। जैसे न्यूनतम उत्तीर्णांक 160 है और हम आपसे कह दें 160 अंक जो न्यूनतम उत्तीर्णांक है, ये पूरे पूर्णांक का कितने परसेंट है? ध्यान देना, पहले बताइए परीक्षा का पूर्णांक कितना है? 400। परीक्षा का पूर्णांक है 400 और उसमें पास होने के लिए कितना चाहिए? 160। परीक्षा का पूर्णांक है 400 और पास होने के लिए चाहिए कितना? 160। कितने परसेंट हुआ 160? कितने परसेंट हुआ?
400 के सापेक्ष बताइए। तो एक चीज ध्यान देना, परसेंट न्यूनतम उत्तीर्णांक बताना है तो पहले आप देखिए न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना है 160, इसमें 100 से गुणा करिए बटे के सापेक्ष, मतलब पास होने के लिए कम से कम 160 अंक चाहिए, किसके सापेक्ष 400 के सापेक्ष। तो ये कितने परसेंट हुआ, डबल जो कैंसिल करिए 4 × 16 40%। तो ध्यान देना परीक्षा का पूर्णांक 400 है, न्यूनतम उत्तीर्णांक 160 है और परसेंट में न्यूनतम उत्तीर्णांक 40% है। तो ये परसेंट न्यूनतम उत्तीर्णांक कैसे निकालें, समझ है ना, जितना कम से कम चाहिए पास होने के लिए उसमें 100 से गुणा करिए। तो पास होने के लिए कम से कम 160 चाहिए, 100 से गुणा करिए, तो 160 अंक किसके सापेक्ष चाहिए 400 के सापेक्ष, भाग कर दीजिए पता चल जाएगा कितना परसेंट है 40%। उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए हैं। अगले लेक्चर में जब मैं आऊँगा तो ये तो पहले कंडीशन पे मैंने प्रश्न एक कराया, एक अगले कंडीशन पे फिर प्रश्न और रखेंगे, आज बस इतना ही रख रहे हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में इस पर एक प्रश्न और करने के साथ तब तीसरा टाइप में से प्रश्न कराएंगे। अभी बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।